नमस्कार। घुसपैठ भी बने चुनावी मुद्दा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक पीएफपी पमित ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा था, भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर को लेकर मतभेद है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान से सटे असम और अन्य क्षेत्रों पर भी हमारा दावा बनता है। पाकिस्तान और उसके शासकों की मंशा को उसके शासक वोट बैंक के लालच में अनदेखा करते रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान यानी कि तत्कालीन बांग्लादेश से एक दीर्घकालिक योजना के तहत भारत में घुसपैठ होती रही। विगत 5 दशकों में मुस्लिम जनसंख्या 3.5%, लेकिन ये असम में 11%, तो पश्चिम में 7% बढ़ी। जो लोग मुस्लिम जनसंख्या इस रूप में करते हैं कि चूंकि मुस्लिम परिवार नियोजन नहीं अपनाते हैं, अतः उनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़ी हुई नजर आती है। बात ये ठीक नहीं है। बांग्लादेश से सटे हुए आसाम, बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों में ज्यादा बढ़ती गई। ये बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हैं, वो आसानी से घुस जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण मुस्लिम बहुल आसाम के जिलों राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर गया है, पर पूरा नहीं हुआ है। बंगाल में राजनीतिक पार्टियां अपना मतदाता मान लेते हैं और संरक्षण देते हैं।